मंकी पॉक्स एक बीमारी है। यह एक वायरस से होती है। इस वायरस को मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। मंकी पॉक्स दुर्लभ है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। वायरस के संपर्क में आने के 3 हफ्ते के भीतर ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मंकी पॉक्स अक्सर हल्का होता है। ज्यादातर लोग कुछ हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। कभी कभी मंकी पॉक्स गंभीर हो सकता है। यह जानलेवा भी हो सकता है। मंकी पॉक्स के बारे में जानना जरूरी है। हम अपनी और अपने समुदायों की रक्षा कर सकते हैं। आइए इस वायरस के बारे में और जानें। मंकी पॉक्स अक्सर फ्लू जैसे सिम्टम्सों से शुरू होता है। आपको बुखार हो सकता है। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आपके लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दाने दिखाई देते हैं। दाने आपके चेहरे पर हो सकते हैं। यह आपके हाथों पर हो सकता है। यह आपके पैरों पर हो सकता है। यह आपकी छाती पर हो सकता है। यह आपके गुप्तांगों पर हो सकता है। समय के साथ दाने बदलते हैं। दाने फ्लैट लाल धब्बों के रूप में शुरू होते हैं। धब्बे फफोले में बदल जाते हैं। फफोले मवाद से भर जाते हैं। फिर फफोले पपड़ी पड़ जाते हैं। अंत में पपड़ी झड़ जाती है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती निदान और इलाज महत्वपूर्ण है। हम सभी सुरक्षित रहने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम मंकी पॉक्स को फैलने से रोक सकते हैं। बीमार लोगों के नजदीकी संपर्क से बचें, उनके दाने या पपड़ी को न छुएं, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, उन जानवरों के संपर्क से बचें जो बीमार हो सकते हैं, मरे हुए जानवरों को न छुएं, उन क्षेत्रों में सावधान रहें जहां मंकी पॉक्स आम है। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें। जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं, तब तक दूसरों के संपर्क में आने से बचें। अपने दाने को कपड़ों या पट्टियों से ढकें। भाग 4, मंकी पॉक्स से बचाव। प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप अपने जोखिम को कम करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। अगर आप इसके हकदार हैं तो टीका लगवाएं। मंकी पॉक्स का टीका संक्रमण को रोक सकता है। अच्छी सफाई का अभ्यास करें। अपने हाथ बार बार धोएं। जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उन सतहों को साफ और कीटाणु रहित करें जिन्हें अक्सर छुआ जाता है। EPA पंजीकृत कीटाणुनाशक का प्रयोग करें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। बीमार जानवरों और लोगों के संपर्क से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर रहने के बाद। भाग 5, डॉक्टरी सहायता लेना। अगर आपको लगता है कि आपको मंकी पॉक्स है तो डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती निदान और इलाज महत्वपूर्ण है। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम्सों का आकलन कर सकता है। वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं। मंकी पॉक्स का इलाज मुख्य रूप से सहायक होता है। इसका मतलब है कि सिम्टम्सों का इलाज करना। आपको दर्द निवारक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको तरल पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है। आपका डॉक्टर आपको निर्देश देगा। उनका ध्यान से पालन करें। इंस्ट्रक्शंस अनुसार खुद को दूसरों से अलग रखें। अपनी सभी दवाएं बताए अनुसार लें। भाग 6, सूचित रहें, स्वस्थ रहें। मंकी पॉक्स एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, इसलिए सूचित रहना जरूरी है। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। CDC सटीक और अद्यतित जानकारी के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। स्वस्थ रहना एक टीम प्रयास है। इन दिशा इंस्ट्रक्शंसों का पालन करके हम अपनी और एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। आइए मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम करें।